कोविड महामारी के चलते देश सहित पूरे राज्य में लॉकडाउन किया गया था। अब लॉकडाउन में राहत दी गई है और व्यवसाय प्रतिष्ठान शुरू किए गए, लेकिन अब भी कुछ व्यवसाय शुरू करने की अनुमति सरकार द्वारा नहीं दी गई। उनमें से एक व्यवसाय बैंड, धुमाल, घोड़ा और लाइटिंग का व्यवसाय है, जो जल्द से जल्द शुरू करने की मांग राज्य सरकार से शिवसैनिक दीपक पोहनेकर द्वारा की गई। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन किया गया और सभी व्यवसाय बंद हुए, लेकिन अब अनलॉक किया गया है। फिर भी कुछ व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। बैंड पथक, घोड़े वाले और लाइटिंग वाले के व्यवसाय अभी भी बंद है, जिससे शहर के 15 से 20 हजार बैंड, धुमाल, पथक के कलाकार और घोड़े वाले, लाइटिंग वाले, ऐसे हर एक व्यवसाय के पीछे 4 से 5 हजार परिवार जुड़े हैं, जिन पर व्यवसाय बंद होने से भुखमरी की नौबत आ पड़ी है। इसलिए जल्द से जल्द व्यवसाय शुरू हो ताकि आर्थिक समस्या से निजात मिल पाए। शिवसेना तर्फे मुख्यमंत्री साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। माजी मुख्यमंत्री साहेबांना हीच विनंती आहे की गेल्या 7-8 महिन्यापासून बँडचे सर्व व्यवसाय बंद आहे। बँडशी निगडीत जे बँड आहे, लाइटिंग आहे, घोडेवाले आहे, ह्या सर्वांचे व्यवसाय बंद आहे। बंद असल्याकारणाने यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे। यांच्या परिस्थितीची जाणीव करता आपण यावर विशेष लक्ष द्यावं व यांचा व्यवसाय सुरू करावा, त्याचे गाईडलाईन तयार करून सांगावे, अशी मी मुख्यमंत्री साहेबांना विनंती करतो। शादी समारोह, अन्य कार्यक्रम में बैंड, लाइटिंग की अनुमति दी जाए ताकि रोजगार शुरू हो सके, ऐसा ज्ञापन राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है। कई महीनों कोरोना लॉकडाउन मुळे बैंड धुमाल व्यवसाय ठप झाला आहे, त्यामुळे आमच्या परिवारावर उपासमारीची वेळ आली। तरी मुख्यमंत्री साहेब यावर विचार करून आम्हाला बैंड व्यवसाय चालू करण्याची परवानगी द्यावी। आज नागपूरमध्ये पूर्ण भारतामध्ये कोरोना महामारी सुरू आहे। त्या महामारीमुळे आमचा बँडचा व्यवसाय पूर्णपणे बंद पडलेला आहे आणि आम्हाला या धंद्याशिवाय, या कामाशिवाय आम्हाला दुसरा काहीच पर्याय नाही आहे। माननीय मुख्यमंत्री साहेब, आज आमची अशी दशा झालेली आहे का आम्ही उपासमारीची वेळ आलेली आहे, याचा अलावा या बँड वाजवण्याचा अलावा आम्हाला दुसरं काहीच काम आणि दुसरा काहीच धंदा नाही आहे। तरी तर आपणास साहेब आम्ही सविनय विनंती करतो, हात जोडून विनंती करतो की आपण आमच्या नागपूर बँडवाल्यांकडे, संपूर्ण महाराष्ट्राच्या बँडवाल्याकडे लक्ष देऊन आमच्या रोजीरोटीला सुरुवात करा, अशी आपणास सविनय विनंती करतो। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज, नागपूर।